दोस्तों हमारे भारत में रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या लगभग 7000 और 8000 के बीच में है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कुछ ऐसे स्टेशन्स भी हैं जिनका नाम तो इतिहास में भी दर्ज है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि आज की तारीख में दुनिया भर में जिन भी देशों में रेलवे स्टेशन है उनमें भारत का नाम सबसे टॉप के देशों में शामिल रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा भारत रेलवे नेटवर्क के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। वैसे दोस्तों इन सब बातों के अलावा क्या आपने कभी ट्रेन में सफर करते हुए कभी रेलवे स्टेशन पर एक नजर दौड़ाई है? हालांकि अगर आपका जवाब नहीं है तो ये बात तो पक्की है कि अगली बार आप जब भी इन 10 रेलवे स्टेशन से गुजरेंगे तो आप इस रेलवे स्टेशन को जरूर नोटिस करेंगे। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हम आपको 10 ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म है। साथ ही इन रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य भी बताने वाले हैं जिनको आज से पहले आप शायद ही जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजीके टॉप 10। तो चलिए दोस्तों अब देर न करते हुए जल्दी से वीडियो को लाइक करते हुए और इंडियन रेलवे के लिए एक प्यारा सा कमेंट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, विजयवाड़ा जंक्शन। दरअसल दोस्तों विजयवाड़ा जंक्शन आज के आंध्र प्रदेश राज्य में। दरअसल विजयवाड़ा जंक्शन पर सभी दिन 258 पैसेंजर ट्रेन और 150 से ज्यादा मालगाड़ियां चलती है, जिसे आज के मौजूदा समय में नहीं बल्कि इस स्टेशन को 19वीं सदी में बनाया गया था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब हमारे भारत में ब्रिटिश राज किया करते थे उस वक्त इस विजयवाड़ा जंक्शन का काफी ज्यादा महत्व था, क्योंकि यही वो स्टेशन था जो राज्य को साउथ की सिटीज दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों को जोड़कर रखता था। हालांकि आज के समय में इस स्टेशन पर 22 रेलवे ट्रैक मौजूद है और बात अगर प्लेटफॉर्म की करें तो आज के समय में विजयवाड़ा जंक्शन पर 10 प्लेटफॉर्म मौजूद है। उसमें भी दोस्तों एक अचंभित करने वाली बात तो ये है कि 7 नंबर प्लेटफॉर्म विजयवाड़ा जंक्शन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है। नंबर 9, पटना रेलवे स्टेशन, बिहार। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार राज्य का पटना जंक्शन एक सबसे मेजर रेलवे स्टेशन है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि ये पटना जंक्शन कोलकाता और दिल्ली लाइन पर आता है और हर दिन यहाँ पर 400,000 से ज्यादा पैसेंजर आते हैं। दरअसल ये भारत के उन रेलवे स्टेशन में शुमार है जो सबसे ज्यादा राज्य को कनेक्ट करता है। इतना ही नहीं, ये बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। दरअसल ये रेलवे स्टेशन भी ब्रिटिश काल के दौरान साल 1861 में पटना स्टेशन के रूप में स्थापित किया गया था। वहीं बात अगर रेलवे ट्रैक की करे तो इस स्टेशन पर 15 रेलवे ट्रैक है और पटना जंक्शन पर 10 प्लेटफॉर्म मौजूद है। नंबर 8, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, गुजरात। दोस्तों अहमदाबाद जंक्शन गुजरात का सबसे नंबर 1 जंक्शन है। दरअसल आपको बता दें कि ये वेस्टर्न रेलवे में सबसे अधिक आय पैदा करने वाला डिवीजन है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रेलवे स्टेशन मुंबई, दिल्ली, हावड़ा और भारत के अन्य प्रमुख शहरों को भी जोड़ता है। हालांकि अहमदाबाद जंक्शन से हर दिन करीब करीब 432 ट्रेन गुजरती है। इतना ही नहीं, इस स्टेशन पर हर रोज 91 ट्रेन टर्मिनेट होती है। हालांकि अहमदाबाद जंक्शन सबसे ज्यादा दी जाने वाली सुविधाओं की वजह से भी भारत में काफी ज्यादा फेमस है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको एलिवेटर, गोल्फ कोर्स और वीआईपी लॉन जैसे एक से बढ़कर एक फीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन बात अगर इसके प्लेटफॉर्म की करें तो इस स्टेशन पर 12 प्लेटफॉर्म है और 16 रेलवे ट्रैक मौजूद है। नंबर 7, प्रयागराज रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश। दरअसल जो लोग ये नहीं जानते कि प्रयागराज कौन सा रेलवे स्टेशन है उनको बता दे कि प्रयागराज से पहले इस स्टेशन का नाम इलाहाबाद जंक्शन था, जिसका अभी हाल ही में नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रेलवे स्टेशन 1859 में बनकर तैयार हुआ था। साथ ही ये स्टेशन प्रयागराज मऊ गोरखपुर मेन लाइन और हावड़ा प्रयागराज मुंबई लाइन पर आता है, जिस वजह से प्रयागराज को नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हेड ऑफिस भी माना जाता है, जिस वजह से इस स्टेशन पर 12 प्लेटफॉर्म है और 20 रेलवे ट्रैक मौजूद है। वैसे आगे चलते हुए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस रेलवे स्टेशन से हर रोज 400 से भी ज्यादा ट्रेनें पास होती हैं। नंबर 6, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का दूसरा सबसे बिजी रेलवे स्टेशन माना जाता है। इतना ही नहीं, ये रेलवे स्टेशन भारत के 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशनों में से एक है। दरअसल कानपुर रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे इंटरलॉकिंग सिस्टम मौजूद है। दरअसल कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आज के मौजूदा समय में कुल 10 रेलवे प्लेटफॉर्म मौजूद है और यहाँ पर हर रोज 300 से ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं। और आपको बता दें इस ट्रेनों के जरिए करीब 1,500,000 से ज्यादा लोग हर रोज सफर करते हैं स्टेशन पर। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस रेलवे स्टेशन से 1580 रेलवे स्टेशन जुड़े हुए हैं, जिस पर आज के मौजूदा समय में 28 रेलवे ट्रैक है जो कि नॉर्थ रेलवे जोन में आता है।
नंबर 5 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। दोस्तों नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और ये बात पूरी तरीके से सच है कि भारत के सभी राज्यों के लोग इस राजधानी में रहते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस रेलवे स्टेशन को 1926 में शुरू किया गया था। इतना ही नहीं, हमारे भारत के दक्षिण से पूर्व की ओर जाने वाली ट्रेनें इस स्टेशन से होकर ही गुजरती है। वैसे आपने राजधानी एक्सप्रेस का नाम तो सुना ही होगा, तो आपको बता दें कि ये राजधानी एक्सप्रेस का मुख्य केंद्र भी है, जिस वजह से इस रेलवे स्टेशन पर कुल 16 प्लेटफॉर्म है और तो और इस स्टेशन पर 18 रेलवे ट्रैक है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रोजाना 235 ट्रेनें गुजरती हैं, जिस वजह से रोजाना 3,00,000 से भी ज्यादा लोग इस स्टेशन पर ट्रैवल करते हैं। हालांकि ये संख्या फेस्टिवल के टाइम पे और भी ज्यादा बढ़ जाती है। साल 1999 के बाद से ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास दुनिया में सबसे बड़े रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम का रिकॉर्ड रहा है। वैसे कमर्शियल इम्पोर्ट्स के हिसाब से भारतीय रेलवे स्टेशनों के वर्गीकरण के अनुसार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को पहले A1 रैंक दिया गया था और अब ये एक NG1 स्टेशन है। नंबर 4 चेन्नई रेलवे स्टेशन तमिलनाडु। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन दक्षिण भारत के सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशनों में से एक है। हालांकि आगे चलने से पहले आपको बता दें कि आज से कुछ समय पहले चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को मद्रास स्टेशन के नाम से भी जाना जाता था। बाद में साल 1996 में जब इसका नाम बदलकर चेन्नई रखा गया, ठीक उसी वक्त से इस रेलवे स्टेशन का नाम भी चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन रख दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को आज से करीब 48 साल पहले यानी 1873 में ही शुरू कर दिया गया था और आज के मौजूदा समय में यहाँ पर हर दिन 300 ट्रेनें गुजरती हैं, जिस वजह से रोजाना 3,00,000 से भी ज्यादा लोग इस स्टेशन पर ट्रैवल करते हैं। हालांकि बात अगर चेन्नई रेलवे स्टेशन के जोन की करे तो इस स्टेशन का जोन साउथर्न है और आज के मौजूदा समय में इस रेलवे स्टेशन में 17 प्लेटफॉर्म है और 17 ही रेलवे ट्रैक भी है। हालांकि इस रेलवे स्टेशन के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि साल 2007 में इस स्टेशन को सबसे साफ सुथरा स्टेशन होने का भी टैग भी मिला। नंबर 3 छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि मुंबई एक बड़ा और अधिक जनसंख्या वाला शहर है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि इस शहर में काम के सिलसिले में बहुत सारे लोग सफर करते हैं और इनमें से ज्यादातर लोग सफर में ट्रेन का यूज करते हैं, जिस वजह से ये रेलवे स्टेशन केवल एक व्यस्त रेलवे स्टेशन ही नहीं है बल्कि इस रेलवे स्टेशन को काफी खूबसूरती के साथ भी बनाया गया है। हालांकि आगे चलते हुए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत पहले इस रेलवे स्टेशन का नाम विक्टोरिया टर्मिनल था, जिसे बाद में बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रखा गया। यानी इस स्टेशन को साल 1888 में ही बनाकर तैयार कर दिया गया था और ये कितना बिजी है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस रेलवे स्टेशन में 18 प्लेटफॉर्म है, जिनमें से 11 प्लेटफॉर्म लंबी दूरी के आउट स्टेशन ट्रेन के लिए है और 7 प्लेटफॉर्म स्थानीय उपनगरीय ट्रेनों के लिए है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इस स्टेशन पर 40 से भी ज्यादा रेलवे ट्रैक है, जिस वजह से इस स्टेशन से हर रोज 30,00,000 से भी ज्यादा लोग सफर करते हैं। नंबर 2 सियालदह रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल। वैसे तो कोलकाता में सियालदह रेलवे स्टेशन के अलावा और भी कई सारे रेलवे स्टेशन हैं, जैसे हावड़ा स्टेशन, शालीमार स्टेशन, संतरागाछी जंक्शन और कोलकाता रेलवे स्टेशन। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि सियालदह रेलवे स्टेशन इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। इतना ही नहीं, सियालदह भारत के सबसे व्यस्त और बड़े रेलवे स्टेशनों में से भी एक है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सियालदह दानकुनी लाइन और बंदेल लाइन के माध्यम से उत्तरी, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी, पूर्वी भारत के लिए और लंबी दूरी के ट्रेनों के लिए भारत का सबसे मेन टर्मिनल है, जिसे आज के समय में नहीं बल्कि ये स्टेशन 1862 में ही बनाया गया था। और आपको बता दें कि आज के मौजूदा समय में सियालदह रेलवे स्टेशन के पास 21 प्लेटफॉर्म है और 28 रेलवे ट्रैक है, जिस पर हर दिन यानी स्टेशन से करीब 400 ट्रेनें गुजरती हैं और इन 400 ट्रेनों के माध्यम से रोजाना लगभग 1.2 मिलियन लोग सफर करते हैं। और आपको बता दें कि सियालदह रेलवे स्टेशन ईस्टर्न जोन के अंतर्गत आता है। नंबर 1 हावड़ा रेलवे स्टेशन। दोस्तों हावड़ा रेलवे स्टेशन हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और आपको बता दें कि ये स्टेशन कोलकाता शहर के एकदम नजदीक है। और ये बात भी पूरी तरीके से फैक्ट है कि हावड़ा रेलवे स्टेशन पूरे भारत के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से हावड़ा रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवे के A1 कैटेगरी के अंतर्गत आता है और इसे भी आज से कई साल पहले बनाया गया था। यानी इस रेलवे स्टेशन की भी शुरुआत 1862 में की गई थी। और आप जानकर पूरी तरह हैरान होने वाले हैं कि हावड़ा रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन
आने वाले यात्रियों की संख्या लगभग 2 मिलियन से भी ज्यादा है, जिस वजह से इस रेलवे स्टेशन के पास सबसे ज्यादा संख्या में प्लेटफॉर्म होने के रिकॉर्ड के साथ साथ सबसे व्यस्त प्लेटफॉर्म होने का रिकॉर्ड भी है। मतलब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हावड़ा स्टेशन में कुल 23 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, जिसके साथ ही इस स्टेशन में 26 पटरियों की रेलवे लाइन बिछी हुई है। हालांकि दोस्तों, आप में से कौन कौन हावड़ा गया है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है, यानी इस रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म 1 से प्लेटफॉर्म 23 पार करने में कम से कम कितना टाइम लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये है भारत के वो 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन जहाँ सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।